संजू सैमसन, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी, पहले मैच में शतकीय पारी खेली थी, उसके बाद बैक टू बैक दो मैचेस में डक पर आउट हुए। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच हुआ था वहां पर भी शतकीय पारी खेली थी, उसके बाद से संजू सैमसन की चर्चाएं तेज हो गई थी। अब उनके पिता विश्वनाथ सैमसन का एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। उनका कहना है कि इन तीन या चार खिलाड़ियों ने मेरे बेटे का करियर जो है वो बर्बाद किया, 10 साल बर्बाद के करियर के। हालांकि उन्होंने नाम भी लिया, रोहित शर्मा का, एम एस धोनी का, विराट कोहली का और द्रविड़ का उन्होंने नाम लिया कि इन्होंने मेरे बेटे के 10 साल बर्बाद कर दिए करियर के। इसके अलावा उन्होंने गौतम गंभीर की तारीफ की और सूर्य कुमार यादव की तारीफ की कि उन्होंने मौके दिए और उस मौके का सही से इस्तेमाल किया उनके बेटे ने। हालांकि इस स्टेटमेंट के बाद से चर्चाएं तेज हो गई हैं। संजू सैमसन जो कि अच्छी फॉर्म से दो मैचेस में दिख रहे थे, पिछले दो मैचेस में उनका प्रदर्शन काफी खराब नजर आया, हालांकि उनके पिता का स्टेटमेंट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। उनके पिता के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, क्या इन्हीं खिलाड़ियों ने उनके बेटे का करियर बर्बाद किया? इससे पहले भी आपको याद होगा युवराज सिंह ने भी तमाम जो एलिगेशंस लगाए थे एम एस धोनी पर कि उनके वजह से ही युवराज का करियर बर्बाद हुआ है। अब यहां पर सैमसन के पिता ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है, इन चार खिलाड़ियों का नाम लिया है, रोहित का, विराट का, एम एस धोनी का और राहुल द्रविड़ का नाम लिया है। आप उनकी बात से सहमत हैं? कमेंट करके बताइए फटाफट।